बेटे ने जो एक निक्का ने गल कही है वो एक फरमाइश कह रहे थे उन्होंने एक शेर पढ़ देना मतला और एक अंतरा पढ़ देना। मेरे दामन टोटल 7 शेर ने है कोई साथ साथ 7 पढ़ सुनने वास्ते 2 शेर बाद 5 रह जाएंगे। 5 का मतलब फिर 5 ही होता है, मैं कभी 5 तो ज़्यादा पढ़े नहीं। ये 2 शेर सुन लो जो दोस्त कह रहे हैं एक शेर पढ़ दे। हाँ मेरा नबी जो कहना मेरा नबी नबियां दा नबी है, लेकिन जी अगली लाइन हूँ मैं पढ़नी उससे थोड़ा मैं खड़ा भी करा तो फिर भी हाथ तुम कम पै जाओगे, वो गल तो जरूर हाथ खड़े करना जी अगली गल है। हाँ मेरा नबी नबियां दा नबी नबियां चो मेरा नबी नबियां नबी। भाई सब तो जो कहना जरा थोड़ी नज़र चाहिए रहे इधर भाई माँ मेरे तीनों बरादरान दोस्त जिन्हें बैठे ने सदा की खसूसी नज़र चाहना नबी मेरा नबी नबियां दा नबी है नबियां जो ए आखरी वी है जिस विच हुब नहीं पाक अली दी जिस विच हुब नहीं पाक अली दी उस जिंदगी विच खटे की उस जिंदगी विच खटे की किते किते जो हुबे हाथ पाँच सकते उठा सकता है जिस विच हुब नहीं पाक अली दी उस जिंदगी विच खटे की नबियां चो ए आखरी वी मेरा नबी नबियां दा नबी मेरा नबी नबियां दा नबी है जिस विच हुब नहीं पाक अली दी उस जिंदगी विच खटे आई। बोलो तो सही कुछ खटे है तो फिर बोलो तो सही उस जिंदगी विच खटे आई की है। इसका कलाम एक शेर है हजूर अगर किसी के घर दरवाजे ते मरदम शुमारी वाले आ जाए और वो उर्दू में पूछें हजरात तो जो है अब वो दरवाज़ा खटखटा के पूछें जो बंदा बाहर आए जनाब हम मरदम शुमारी से हमारा तल्लक है पाकिस्तान की आबादी कितनी हो गई ये हमने तय करना है तो आपके घर में कितने अफराद रहते हैं तो बंदा बताता है कितने रहते हैं। अगर वो पंजाबी पूछ रहे हैं सराकी पूछ रहे हैं तो वो किंज भी कह सकते हैं कि हजरात थोड़े घर में तो किन्ने जी ने पंज तल पाक दे जितने जी अद्धी रात दादो बंदा देगा जिन्हों सरकार ने नवाजा होएगा पंज तल पाक दे जितने जीने हर हर जी नो साड़ी जी हर हर जी साड़ी जी पंज तल पाक दे जितने जीने हर हर जीनो साड़ी जी हर हर जीनो साड़ी जी नबियां चो ए मेरा नबी नबियां दा नबी जिसनु कहदे सैयद ज़ारा ओ ते मुहम्मद पाक दीदी ओ ते मुहम्मद पाक दीदी नबियां चो हाथ उठाइए ए आखरी
नबी नबियादा नबी। औखा दा शेर मुश्किल है, आखिरी शेर इस कलाम दा। हाकिम सोने जुल्फ सवारी, दुनिया काली शब समझिए, दुनिया काली शब समझिए।